भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बिड्स और आरए में क्या डिफरेंस है। तो खास तौर पे आपने को टेंडर्स या फिर बिड्स जेम के पोर्टल्स में यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस काफी देखने को मिलते हैं और अपने को समझता नहीं है आरए क्या है। बिड्स बहुत सारे कॉमन वर्ड्स है, बहुत लोगों को पता है जो बिड्स क्या करते हैं, पर आरए जिसको हम लोग रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं वो होता क्या है, ये इसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया है पीपीटी, यहाँ से आपको बताता हूँ। जैसे बीड्स, बीड्स क्या होता है, बायर्स कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए बीडिंग की प्राइसेस चालू करती है। कोई भी प्रोडक्ट निकाला उसके लिए जो सेलर है उसको बोलते हैं कि आप अपने हिसाब से आपका प्राइस कोट कीजिए, और अपना कोट जो भी होगा उसका वो टेक्निकल एवोल्यूशन करते हैं। आप लोगों को जैसे टेंडर भरते हैं तो आप लोगों को बताए ये दो टर्म्स में टेंडर्स खुलता है, पहला टेक्निकल एवोल्यूशन होता है, जो लोग टेक्निकल में क्वालिफाई होते हैं वो लोग फिर फाइनेंस राउंड में जाता है। जब फाइनेंस का एवोल्यूशन होता है तो फिर वहाँ पे जो लोग जो भी आपके सेलर्स हैं, जो सेलर्स फाइनेंस में जाने के बाद उनको जो सबसे कम रेट में कोट करता है उनको हम लोग दे देते हैं। ये अपना एक प्रोसेस है बिड्स। पर यदि आरए की बात करेंगे तो आरए यहीं खत्म नहीं होता है। तो बिड्स को हम लोगों ने समझने के लिए और आगे के प्रोसेस में देखे दिखाया मैंने, जो बिड्स में रिवर्स ऑक्शन में ही बीड तक हमारा होता ही है। बीड तक जैसे वो प्रोसेस था वही तक बीड का प्रोसेस तो होगा ही होगा, बाद में ये रिवर्स ऑक्शन की ओर जाता है। जैसे कि बीड्स में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू से समझाया, बीड में यहाँ पे पार्टिसिपेट आए, यहाँ पे तीन से मल्टीपल भी पार्टिसिपेट आ सकते हैं, मल्टीपल बहुत से ज़्यादा बीड्स में पार्टिसिपेट आ गए। आने के बाद उसमें टेंडर्स को जो L1 हुआ उनको हम लोगों ने टेंडर दे दिया, तो ये बीड्स हो गया। पर रिवर्स ऑक्शन में L1 को टेंडर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जब भी यहाँ पे बायर्स मल्टीपल सप्लायर्स आ गए, अभी 6 सप्लायर जो थे ये फाइनेंस राउंड में सिलेक्ट हो गए, और वहाँ से सप्लायर 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। तो सप्लायर 1 था उनको L1 था, जब L1 हो गया तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो सप्लायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा था और जो रेट आया वो जो बायर्स था उनको लगा कि ये रेट बहुत ज्यादा है और रेट कम होना चाहिए और सप्लायर्स भी ज्यादा है, तो और कॉम्पिटिशन करना चाहता है वो, तो क्या करता है इसको रिवर्स ऑक्शन कन्वर्ट कर देता है। ये अभी तक जेम में सबसे अभी होना जब सबसे ज्यादा चालू हो गया जेम के पोर्टल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन का एक बटन होता है, रिवर्स ऑक्शन ये मिनिमम 3 दिन मिनिमम 3 डेज के लिए रिवर्स ऑक्शन होता है और मैक्सिमम 15 डेज आफ्टर L1 चूज। L1 तक जो प्रोसेस था, L1 होने के बाद यदि बीड्स की बात करें तो L1 होने के बाद डायरेक्ट हम वर्क ऑर्डर इशू कर देते हैं L1 के नाम पे। पर यहाँ पे आरए में ऐसा नहीं होता, आरए में क्या होता है वहाँ पे L1 होने के बाद फिर से वो बीडिंग के लिए बोलते हैं। जो लोग यहाँ पे अभी बीडिंग में कौन पार्टिसिपेट ले सकते हैं, जो लोग फाइनेंस में हुए हैं क्वालिफाई, जैसे कि यहाँ पे 6 लोग मैंने यहाँ पे सप्लायर दिखाया आपको ग्राफिकल के थ्रू से, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस टेंडर को भरने के लिए 20 लोग आए थे और 20 लोगों में 14 लोग टेक्निकल राउंड से निकल गए, तो बचे हैं यहाँ पे 6 लोग। 6 लोगों ने L1 मिला था, सप्लायर्स 1 को सप्लायर को L1 का हुआ था, पर इनको अभी वर्क ऑर्डर नहीं मिला, अभी ये रिवर्स ऑक्शन में चला गया। रिवर्स ऑक्शन में जब गया तो यहाँ पे ये जो 6 लोग है, ये 6 जो सप्लायर्स है, 6 के 6 सप्लायर्स को ये टेंडर को फिर से भरना पड़ेगा ओनली फॉर फाइनेंस बिड। अभी यहाँ पे टेक्निकल बिड्स नहीं रहेगा। मिनिमम इसके जो रूल्स है मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम ये 15 डेज तक के लिए हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या होता है, फिर से ये लोग 6 लोग फिर से ये टेंडर को कोट करते हैं अपने अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होता है, जो पहले कोट था उससे कम में रेट आ जाता है, इससे बायर्स को थोड़ा बेनिफिट मिलता है और इसको हम लोग रिवर्स ऑप्शन बोलते हैं। तो रिवर्स ऑप्शन में देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफिकल के थ्रू से भी समझाया है, जहाँ भी यहाँ पे विनर जो था, ऐसा नहीं है कि विनर्स को ही टेंडर्स मिला, यहाँ मल्टीपल जैसे आना चालू हो जाएगा मल्टीपल सेलर, तो फिर जब सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो जेम्स के पोर्टल में यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन अभी चालू हो गया, यहाँ पे रिवर्स ऑप्शन होगा और फिर से और एक बार आपको फाइनेंस का बिल भरना पड़ेगा। तो ये था अपना नॉर्मल कंडीशन से जो बीड्स थे, बीड्स को रिवर्स ऑक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और बीड्स और रिवर्स ऑक्शन में डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने आपको आज के वीडियो में बताया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है कोई समझने में कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और हमारे पास जेम के ट्रेनिंग्स चालू है, यदि आप अपना ट्रेनिंग्स लेना चाहते हैं तो नीचे हुए डिस्क्रिप्शन पे आप मुझे आप कॉल बैक कर सकते हैं, तो हम आपके ट्रेनिंग्स भी हम यहाँ पे आपको जेम्स के ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ई टेंडर्स के भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी पोर्टल्स होने दीजिए, रेलवे
या फिर पीडब्ल्यूडी का, कॉरपोरेशन का, जिला परिषद का, उसके भी ट्रेनिंग्स अपने पास अवेलेबल है, जेएम के भी ट्रेनिंग्स अपने पास अवेलेबल है। तो आप यदि आप ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।